मैं शहजाद अपना यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन टेक में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं स्पाइस मनी से मनी ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले स्पाइस मनी एप्लीकेशन को ओपन करना है, तो मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस शो करेगा, इसमें आपको इस पर क्लिक करना है, YBL DMT EKYC पे, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसका इंटरफेस ऐसा आएगा। इसमें आपको अगर मनी ट्रांसफ़र करना है तो इसमें आपको यहाँ पे एक प्लस का निशान होगा, यहाँ पे इस प्लस पर क्लिक करना है। जैसे ही प्लस पर क्लिक करेंगे, जिसका पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका मोबाइल नंबर डालना है, तो मैं यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। डालने के बाद सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, देखिए यहाँ पे इंटरफेस आ चुका है। इतना आपको मंथली लिमिट 25,000 है, अगर अपग्रेड करते हैं EKYC को तो आपको 2,00,000 तक भेज सकते हैं एक माह में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं सेंड यहाँ पे सेव किया हूँ, इसलिए अकाउंट नंबर यहाँ पर शो कर रहा है। अगर फिर से सेव करना है तो प्लस पर क्लिक करेंगे और एड न्यू बेनिफिशियरी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे बेनिफिशियरी का नाम लिखना है, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, लिखने के बाद बैंक का नाम लिख देता हूँ, उसके बाद अकाउंट नंबर, सभी डिटेल्स फिल करने के बाद अगर मोबाइल नंबर चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो ऑप्शनल है। यहाँ पे एड बेनिफिशियरी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके जो मोबाइल नंबर डाले थे उस पर एक OTP भेजा जाएगा, और OTP यहाँ पे डालेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे OTP आ चुका है, मैं यहाँ पे OTP यहाँ पे फिल कर देता हूँ और सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे आपका अकाउंट नंबर सेव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पे वेरीफाई अकाउंट यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है बेनिफिशियरी नेम इज रिसीव्ड फ्रॉम द बेनिफिशियरी बैंक स्पाइस मनी डिजिटल, ठीक है। यहाँ पे वेरीफाई अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई अकाउंट पर क्लिक करेंगे, अब देखिए आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और पैसा सेंड करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यहाँ वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर देखिए ₹3 चार्ज कटा है वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ से क्लोज कर देंगे, और आपको अब फिर से अगर मनी ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर, यहाँ पे ग्रीन टिक लग गया है, तो समझिए कि ऐड हो चुका है, आप आराम से भेज सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। जैसे मान लीजिए कि ₹5,000 ट्रांसफ़र करेंगे तो इसका चार्ज कितना लगेगा, यहाँ पर सेंड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा। देखिए अगर ₹5,000 ट्रांसफ़र करते हैं तो इतना आपको चार्जेज लगेंगे। तो हमको अभी ट्रांसफ़र नहीं करना था, ओनली डेमो के तौर पर दिखा रहे थे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू।